Asa the boss John of Chakwa. शलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जीजा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله بيت طيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات پھر بھی درود پڑھیں بلند تر محمد وآل محمد अजीज़न मोहतरम मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की भाई मेरी तरफ देखें मजलिस में बैठे सूरह आले इमरान की आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे रसूल इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करेगा फिर इससे अगली आयत अतीउल्लाह وآتی الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر پھر بھی یہ لوگ اس بات پر اعتراض کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا پھر سورہ حشر کی آیت ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ वमा नहाकुम अनहु फंतहु जो रसूल दे वो ले लो जिस रसूल मना करे उससे रुक जाओ तो फिर किस तारीख में लिखा है कि जो जबूरियत दे वो ले लो जो अक्सरियत दे वो ले लो जो जमात दे वो ले लो जो शोरा दे वो ले लो जो मौलवी दे वो ले लो जो मुफ्ती दे वो ले लो जो हाजी दे वो ले लो जो नमाजी दे वो ले लो जो गाजी दे वो ले लो जो रावी दे बोले लो ये कहीं नहीं लिखा लेकिन कुरान ने कहा जो रसूल दे वो ले लो जिससे मना कर रहे हो उससे रोक जाओ फिक्का जाफरिया कायनात में वैद फिका है कि हमने एक असूल दीन एक फरू दीन किसी रावी या रिवायत से नहीं लिया बल्कि हमने अली यन वली उल्ला का अकीदा कुरान से लिया है कुरान की आयत है जो रसूल दे वो ले लो जिससे मना करे उससे रुक जाओ तो फिर गदीर के मिंबर से पैगंबर ने हमें मौला दिया हमने ले लिया बड़ी मेहरबानी
मौला आपको सलामत रखे। भाई कौन सा ऐसा अकीदा है जो हमने रसूल से नहीं लिया, कौन सा ऐसा फरुद्दीन है जो हमने रसूल से नहीं लिया, कौन सा ऐसा असूलुद्दीन है जो हमने रसूल से नहीं लिया। भाई हमने तौहीद ली रसूल से, अदल लिया रसूल से, नबूवत ली रसूल से, इमामत ली रसूल से, कयामत ली रसूल से, काबा लिया रसूल से, मलूते काबा लिया रसूल से, कुरान लिया रसूल से, कौशर ली रसूल से, साकिये कौशर लिया रसूल से। हमने असूल दीन और फरूए दीन रसूल से लिया है, किसी मौलवी से नहीं। हर बात इतराज करते हो, इंज पढ़ना सी इंज चस सुननी सी, जो तुसी नहीं आना फिर सानू चस पढ़ने की कोई नहीं आती। हां असि भी फिर फुल फुल के पढ़ते हैं, परेशान कर देते ना फिर सलवात पढ़े मुहम्मद तो मेरे मोहतरम, हमने मसूम लिए रसूल से, ऐसे मसूम जो अनिल खता है, जो खता नहीं करते, जो तैयब व तहर है, पाक व पकीज़ा है। और इन्हीं मसूमीन के सदके से हम अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह मसूमीन का वास्ता हमें औलाद अता कर, या अल्लाह मसूमीन का वास्ता हमें शिफा अता कर, मसूमीन का वास्ता हमारे रिज्क में कमी है, हमारा रिज्क वसी कर। ये सब कुछ हम इन्हीं से मांगते हैं। और फिर जो हम मन्नत मांगते हैं, सब मुहर्रम में अहले सुन्नत भी मन्नत मांगते हैं, शिया भी मन्नत मांगते हैं, तो ये मन्नत भी हमने रसूल से ली है। भाई बीबी फिजा पार गए पंचन में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह हसनैन बीमार है, हसनैन अलील है, मैं चाहती हूँ कि मन्नत मानूं, जब हसनैन अच्छे होंगे तो तीन रोजे रखूंगी। पैगंबर ने कहा मैं भी मन्नत मांगता हूँ, अली ने कहा मैं भी मन्नत मांगता हूँ, सैयदा कहते मैं भी मन्नत मांगती हूँ, हसनैन ने कहा हम भी मन्नत मांगते हैं। भाई हसनैन अच्छे हो गए, मन्नत मानेगी। भाई मेरी तरफ देखे यार, मैं जा गया हूँ की मुसीबत काम जेड़ा करना तुझे पहले कर लेते, तुम बदले दर्जे शुरू हुए फिर दो तो और पढ़ा तो फिर बाद कर ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तुझे सानू बच्चा समझो यार। हर बंदे का ध्यान थोड़े को सानू, उन्होंने की सुनना फिर तुसी काम है ये पहले होता मजलिस तो पहले सारा दिन तुम सुते रहते हो, तो काम जरा ग्यारह बारह बजे शुरू कर देते, फिर अगर मजलिस पढ़ो तो फिर बहना नहीं। पहले दिन रोजा रखा, अफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर यतीम आ गया, आकर कहता सलामो अलैका या अहल बैत नबुव्वत, भूखा हूँ, पंचन ने रोटियां उठाई यतीम को दे दी, पानी पिया अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई मैं देखता हूँ आज का कोई मोमिन सारा दिन भूखा है, शाम को फकीर आ जाए सारिया रोटियां उठाकर उसे दे दे, कोई नहीं दे सकता। रोटियां उठाई यतीम को दे दी, पानी पिया अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, अफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर मिस्कीन आ गया, कहता सलामो अलैका या अहल बैत नबुव्वत, भूखा हूं रोटियां उठाई
मिस्कीन को दे दी, पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, अफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर असीर आ गया। भाई असीर कहते हैं कैदी को, कभी आपने देखा है कि दुनिया में कोई शाम को कोई कैदी रोटियां मांग रहा हो? भाई नहीं आए। पता चला ये कोई और कैदी थे। आया आया, रोटियां उठाई, शीर को दे दी, पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाई जब तीन दिन तने पाक खैरात कर चुके तो रहमत इलाही के समंदर में तुगयानी आ गई। एक मरतबा को मिला जबराइल को, परवरदिगार आलम का, जबराइल मेरे हबीब के दरवाजे पर दस्तरखान जन्नत भी ले जा, कुरान की आयतें भी ले जा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बीबी फातिमा के दस्ते मुबारक की पकी हुई जो कि तीन सूखी रोटियां जब मिजान अदालत इलहिया में जजा की मंजिल पर तुले तो कुरान की 30 आयतों के बराबर उतरे। बड़ी मेहरबानी, औलाद को सलामत रखे। भाई कुरान ने नक्श खेद दिया, वयतअमु वतअमा अला हुब्बही मिस्कीनन वयतीमन वअसीरा। भाई कुरान बीबी के 30 आयतों के बराबर नहीं, बल्कि बीबी के दस्त मुबारक की पकी हुई जो की तीन सूखी रोटियां कुरान की 30 आयतों के बराबर है। यह है कुरान का वाकिया। अब जो मुफस्सरी तफसीर करते हैं और एक मौलाना ने उन्होंने इख्तलाफ किया और खूबसूरत इख्तलाफ किया, इल्मी इख्तलाफ किया। वो कहते हैं कि यह जो मुफस्सरी लिखते हैं कि एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन असीर आया, ये मक्का मदीना के फकीर थे जो आते रोटियां लेकर चले जाते। लेकिन मौलाना मदूदी कहते हैं ये मक्का मदीना के फकीर नहीं थे, चूंकि जिस अंदाज से, जिस वक्त की पाबंदी के साथ, जिस लकब के साथ एक दिन यतीम बनकर आया, एक दिन मिस्कीन बनकर आया, एक दिन असीर बनकर आया, मौलाना कहते मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था, जाओ दर्रे बतूल से रोटियां लाओ। बड़ी मेहरबानी भाई। अब कोई एतराज नहीं कर सकता कि मक्का मदीना के फकीर थे। भाई फकीर को क्या पता कि कहां से मांगना है, कहां से नहीं मांगता, उसे क्या पता कि कहां से मांगना बिदत है। नहीं, फरिश्तों को तो भूख ही नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरिश्ते अपनी मर्जी से ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात वो इताते जबरी भी है, वो सजदे में है, वो सजदे में है, जो रकू में है वो रकू में है, जो कयाम में है वो कयाम है, वो हवा चला रहा है वो हवा चला रहा है, जो दरोगे जहन्नम है वो दरोगे जहन्नम है, जो दरोगे जन्नत है वो दरोगे जन्नत है। फरिश्ते अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा। फरिश्ते आए अहले अहले बैत के दरवाजे पर अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह के हुक्म से आए, जाओ दर्रे बतूल से रोटियां लाओ। चंद मिनट, दो मिनट और सुन ले, टाइम थोड़ा थोड़ा। यादा फरिश्तों को तो भूख ही नहीं लगती, अहले बैत रोजे के साथ है, फिर आपने फरिश्तों को अहले बैत के दरवाजे पर क्यों भेजा? अवाली तुम जहलो, तुम क्या जाने मिशियत इलैया को? मैं मुस्तकबिल के आईने में, हाल के आईने में देख रहा था उन मुफ्तियों के फतवों को जो आज कहते हैं कि अहले बैत
भीख मांगना सिखाया। कहा कि मौत के हेतमान करना जाना अहले बैत के दरवाजे पर, आलम बनकर ना जाना, अहले बैत के दर पर जो भीख मांगो लेकिन यतीम बनकर, मिस्कीन बनकर, असीर बनकर। तो मेरे मोहतरम, अहले बैत का दरवाजा वो है कि जहां अर्श वालों को मिलता है और फर्श वालों को भी मिलता है। तो मेरे मोहतरम, एक जुमला मसाहब का टाइम थोड़ा है। जनाब मुस्लिम दरबार में आए, हालत क्या है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तौब, चेहरा जख्मी। हाकिम कूफा कहता है, मुस्लिम तूने अमीर को सलाम क्यों नहीं किया। जनाबे मुस्लिम दुश्मन के दरबार में झूम कर कहता है, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। आजादारो, जब ये कहना था अब हुक्म मिला, अब मुस्लिम को लेकर चले दरार अमारा की छत पर। अब जनाबे मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां नहीं बल्कि हाथ गर्दन से बांधे हुए हैं। उधर हुसैन का काफिला चलते चलते मंजिल सलीबे पर पहुंचा। आवाज दी, अब्बास महमल रोको, ऊंट बिठाओ। आजादारो महमल रुके। इमाम फरमाते अब्बास मुसल्ला लेकर आ। हजरत अब्बास ने मुसल्ला दिया, इमाम कूफा की जानिब मुंह करके बैठे। एक मर्तबा कहा, अलैकुम या सफीरत हुसैन, अस्सलाम अलैके या मेरे चाचा का बेटा। आजादारो बीवी घबरा कर पूछी है, पूछती है हुसैन किसको सलाम किया है। मौला कहते हैं, अपने भाई मुस्लिम को। कहा, कहा मेरे मुस्लिम भाई, कहा बहन करीबा, हजरत अब्बास तुम भी करीब है, इमाम भी करीब है, बीबी करीब है। अब इमाम ने दस्त इमामत बीबी के चेहरे पर फेरा, हजरत अब्बास के चेहरे पर फेरा, कूफा के पर्दे हटे। इमाम कहते बहन दे कुछ नजर आया, बीबी कहते हाँ भैया, एक कैदी है जिसके हाथ गर्दन से बांधे हुए हैं, दारुल अमारा की छत पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौला रोकर कहते बहन यही तो मेरा मुस्लिम है।